ओम नमः सिद्धेभ्य। विषय से जुड़ने के लिए कल 94-95 गाथा जो हो चुकी थी उसकी चर्चा अपन ने कर ली थी, इसलिए अभी कोई भूमिका न करते हुए सीधे 96 गाथा अपन प्रारंभ करते हैं। तथा स्थितं कर्तृत्वमूलं अज्ञानम्। तथा इसी से ये बात ख्याल में आना चाहिए कि पहले कोई बात हो गई है, उसके उपसंहार में ये बात कह रहे हैं। इसलिए यह सिद्ध हुआ, स्थितं, यह सिद्ध हुआ कि कर्तृत्वमूलं अज्ञानम्। कर्तृत्व का मूल क्या है? अज्ञान है। अभी कोई चर्चा सुबह दादा के या गुरुदेव के प्रवचन में आ रही थी, एक कर्तापने का नाश करना है कि कर्तापना नष्ट हो जाता है कि रहता है। ये कर्तृत्व का मूल अज्ञान, तो क्या ज्ञानी कर्ता नहीं होता? ज्ञानी अज्ञानी तो छोड़ो, जड़ पुद्गल करता नहीं होता, धर्म आदि द्रव्य अचेतन वे करता नहीं होते, तो फिर किसका अभाव करना है, किसका नाश करना है? ये कर्ता कर्म अज्ञान में ही होता है क्या? वस्तु स्वरूप में भी कर्ता कर्मपना है, वो कहीं नष्ट होने वाला नहीं है। वस्तु स्वरूप से प्रत्येक द्रव्य अपने सहज परिणमन का करता है, परिवर्तन का नहीं, सहज परिणमन। क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्यमानो जीवा एव, तो जीव जीव के है ना, तो जीव अपने वो क्रम नियमित परिणाम जो हो रहे हैं क्योंकि उन रूप से वही परिणमेगा ना, इसलिए वो करता है। ये कर्ता कर्मपना कभी नष्ट होने वाला नहीं है, तो फिर क्या नष्ट करना है? एक द्रव्य अपने ही परिणाम का करता है, लेकिन जीव अपने को दूसरे का कर्ता मानता है, एक दूसरे का कर्ता मानता है, और जो ऐसा मानता है वह अज्ञानी है, और उसकी अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। वो अज्ञानियों की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति दूर करनी है, और वो अज्ञान वाली कर्ता बुद्धि जो बैठी है, वो कर्तृत्वपना बैठा है, मैं करता हूँ, पर का करता हूँ, उसका मूल अज्ञान है, इस बात की सिद्धि कर रहे हैं। तथा स्थितम कर्तृत्व मूलम अज्ञानम। क्यों ऐसा हुआ, किस कारण से हुआ, वो सभी बात करते हैं। गाथा में तो दृष्टांत नहीं दिया है, लेकिन टीका में अमृतचंद्राचार्य दृष्टांत पूर्वक इसको स्पष्ट करेंगे। 96 गाथा बुलवाता हूँ, आप दोहराएं इसको। एवं पराणि दव्वाणि अप्पयं कुणदि मंद बुद्धियो अप्पाणं अवियपरं करेदि अर्णान भावेण। अब यहाँ एवं शब्द भी है, तो एवं माने इस प्रकार, वह भी अपने आप पीछे से जोड़ता है, एवं इस प्रकार की, किस प्रकार, जो समझ लीजिए, वैसे तो 90 से भी ले सकते हो और पीछे से जा कर के भी ले सकते हो उसको जोड़ते हुए, 89 नंबर की गाथा से ही वहाँ से लेकर के जोड़ सकते हो, और नहीं हो तो ये अभी अभी 92-93 में जो बात आई अज्ञान से कर्म प्रभावित होते हैं, वहाँ से जोड़ करके फिर आप पढ़ना उसे कंटिन्यूशन में, एवं उस प्रकार से। और तत्काल 94-95 से जोड़ना है तो मैं क्रोध हूँ, मैं धर्म हूँ, इस प्रकार जो परिणाम करते हैं वो एवं इस प्रकार से क्या कर रहे हैं वे? पराणि दव्वाणि अप्पयं कुणदि, पर द्रव्यों को
आत्मा कर रहे हैं, आत्मा रूप कर रहे हैं, अपना कर रहे, अप्ययम पुनदि, पर द्रव्यों को अपना जान रहे, अपना मान रहे हैं, और अपना जान रहे मान रहे हैं माने उनका कर्ता भोक्ता भी बन रहे हैं। कौन? मंद बुद्धि। वो मंद बुद्धि जिनकी बुद्धि मंद है, विपरीत है, मंदता में तो एक बार क्षोभशम ज्ञान कदाचित अल्प हो, शिवभूति मणिराज जितना भी हो, सिर्फ सात तत्वों के नाम भी अच्छी तरह याद न रहे, लेकिन प्रयोजन जो भेद विज्ञान का है उतना याद है, प्रयोजन याद है उतना मात्र। जनवाणी में ऐसा उल्लेख आता है, अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान होना चाहिए। अष्ट प्रवचन मात्रिका, पांच समिति और तीन गुप्ति, तो इतना पर्याप्त, इतना का अच्छी तरह से ज्ञान हुआ तो उसके आधार से मुनि बन करके फिर आत्मध्यान करते हुए अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। तो इतना वो मंद बुद्धि, सामान्य दृष्टि से मंद बुद्धि कहा जा सकता है, लेकिन अपने प्रयोजन के लिए बहुत, क्या कहना चाहिए, होशियार है। सर सेठ हुकुमचंद जी इंदौर वाले हैं ना, थे मतलब, वो तो वहाँ के एक तरह से राजा ही थे इंदौर के। वे अपना हस्ताक्षर करते थे, कहते हस्ताक्षर भी ह क म च द लिखते थे, अने हुकुमचंद पूरा नहीं ऐसा लिखते थे, हकमचंद, अने मैंने मात्राएं कुछ नहीं, बस सीधा सीधा लिखते थे। तो इसका इसका मतलब वो पढ़ाई लिखाई उसकी दृष्टि से तो मंद होंगे ना, लेकिन पूरे राजा जैसे थे, तो अपने व्यापार धंधे में और इनमें सब में बहुत होशियार थे। तो ये वो प्रयोजन की दृष्टि से, इसलिए आप मंद बुद्धि उस दृष्टि से नहीं कह सकते हो। यहाँ जो मंद बुद्धि शब्द है वो सीधे सीधे अज्ञानी के लिए हैं। वैसे लोक में भी कुछ विमंदित बुद्धि वाले बच्चे भी होते हैं ना, मंद बुद्धि वाले, डिसेबल में ही उनको शामिल किया जाता है, उनके स्कूल भी अलग होते हैं, उनके बुद्धि का विकास उम्र के हिसाब से नहीं होता है, वो मंद बुद्धि वैसे, लेकिन यहाँ सीधे अज्ञान के लिए कह रहे हैं अज्ञानी, और नीचे अज्ञान भाव ने कह रहे हैं ये अज्ञानी मंद बुद्धि पर द्रव्यों को आत्मा करते हैं, पर द्रव्यों को आत्मा करते हैं, आत्मा का करते हैं तो आत्मा को क्या करते हैं फिर, अपानम अवीय परम करेदी, और आत्मा को भी पर करती है, दोनों का विवेक ही नहीं है। तत्वों की भूल में आश्रव बंध संवर निर्जरा इन सब की भूल तो अलग अलग चलती है, लेकिन जीव तत्व की भूल और अजीव तत्व की भूल एक साथ होती हैं, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, तो एक साथ क्यों लेते हैं, क्योंकि जो जीव की भूल यही करता है कि अजीव को जीव मानता है, फिर अजीव के बारे में क्या भूल करता है, कि जीव को अजीव मानता है, ये दोनों परस्पर भूल होती है। जो पर को आत्मा करता है तो आत्मा को पर करता है, दोनों तरफ की भूल होती है। अन्नान भावे न, अज्ञान भाव से, अज्ञान भाव क्यों जोड़ रहे हो, सीधा कह देते ना मंद बुद्धि ऐसा करते हैं, भी ऐसा होता नहीं है, इसलिए मात्र उनकी अज्ञान तक ही ये बात सीमित है। बाबूजी तो ये युगल जी ये कहते थे, मिथ्या दृष्टि जैसा मानता है वैसी वस्तु स्थिति होती नहीं है, यदि वैसी वस्तु स्थिति हो तो फिर उसकी मान्यता को मिथ्या क्यों कहा जाएगा, वैसी तो वस्तु स्थिति है तो फिर मिथ्या क्यों कहेंगे, है नहीं और मानता है इसीलिए तो मिथ्या है। तो मंद बुद्धि ऐसा मानता है, अज्ञानपने से मानता है, ऐसा होता नहीं है। पुनः चूंकि उपसंहार है इसलिए पुरानी ही बातों को फिर से इसमें दोहराएंगे, पर द्रव्यों को अपना कैसे करते हैं वो बातों को फिर से टीका में दोहराएंगे। पुनः गाथा बुलवाता हूँ, एवं पराणि दव्वाणि
अप्पयम् कुणदि मंद बुद्धियो अप्पाणम् अवियपरम् करेदि अन्नाण भावेण गाथार्थ नीचे। इस प्रकार अज्ञानी जीव, या अज्ञानी जीव कौन से शब्दों, गाथा के कौन से शब्दों का अर्थ है, मंद बुद्धियो, अज्ञानी जीव अज्ञान भाव से परद्रव्यों को अपने रूप और स्वयं को पर रूप करता है और इस कारण से कर्ता बनता है। ये कर्तापना खड़ा होता है, निज को पर को कर्ता पिछानी, दोनों तरफ का कर्तापना इस कारण से खड़ा होता है। बोलिए गाथा और पद्य अनुवाद बोलिए। बुलवाते तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब शुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन अलग अलग बुलवाएंगे तो पता चलेगा। अब अलग अलग एक एक से बुलवा नहीं सकते हैं, तो आप स्वयं को चाहिए कि एक दूसरे को सुना करके शुद्ध उच्चारण जरूर करना चाहिए। देखिए टीका, चलने के लिए इसमें आत्मा वास्तव में है कैसा, आत्मा का वास्तविक स्वरूप कैसा है और कैसा मान रहा है और क्यों मान रहा है, ये सभी बातें, तीनों बातें एक साथ इसमें स्पष्ट करेंगे और फिर तथा ही कह करके उसका दृष्टांत सहित आगे स्पष्टीकरण करेंगे। तो पहला पैराग्राफ पढ़ता हूँ इसमें से। अभी जो तीन बातें मैंने कही ना, तीनों बातें खोजने की कोशिश करना, इतना तो संस्कृत से ख्याल में आ जाएगा। तो मैं माने आत्मा कैसा है, कैसा मान रहा है और क्यों मान रहा है, हेतु क्या उसके पीछे है ना। यत किल क्रोधो अहम इत्यादिवत धर्मो अहम इत्यादिवत च परद्रव्याणि आत्मी करोति आत्मानमपि परद्रव्य करोति एवं आत्मा। अब यहाँ जो एवं आत्मा ये जो लिया ना, एवं आत्मा, इस प्रकार आत्मा, एवं आत्मा जैसे शुरुआत करते यहाँ से एवं आत्मा, लेकिन संस्कृत में क्रम तो होता नहीं है, कहीं भी लगाया जा सकता है। एवं कह करके वो पिछली गाथाओं में जो बात कही गई उसे जोड़ना चाहते हैं, तो उसे पुनः यहाँ दोहराते नहीं हैं। अविशेष दर्शन न अविशेष रत्या अविशेष ज्ञान न, ये फिर से नहीं जोड़ते हैं, तो इसलिए वो एवं कह करके उसे ले ली। इस प्रकार से आत्मा क्रोधो अहम इत्यादिवत, अब क्रोधो अहम इत्यादिवत ऐसा करके जो भावक भाव थे उनको अपना किया था, और धर्मो अहम इत्यादिवत कह करके गेय भाव थे उनको अपना बनाया था, उन उस तरह से परद्रव्याणी आत्मी करोती, परद्रव्यों को अब आत्मी करोती, ये आपके संस्कृत में कौन से उसमें जाता है, दर्पण आयते कृष्ण आयते, ये जैसा है दर्पण आयते वगैरह किसमें, नहीं आत्मनिपदी वाली बात नहीं, ये शब्द को क्रिया बनाना, दर्पण तो शब्द है, उसको दर्पण आयते, और दर्पण आयते माने दर्पण ही वह आचरती, वो दर्पण आयते आपके कृदंत या क्या कहलाता है उसमें, अब देख लेना उसमें, माने एक व्याकरण की एक विशेष पद्धति है, उसी तरह से यहाँ आत्मी करोती माने इसको तो षष्ठी विभक्ति लगा के लिखना पड़ता, आत्मनः करोती
वे अपने करता है, ऐसा नहीं करते हुए आत्मिक होती है, यानी बिल्कुल निज रूप करता है, निज रूप मानता है। परद्रव्याणि आत्मी करोति और आत्मानम अपि परद्रव्यी करोति, परद्रव्य रूप कर देता है, इस तरह से पिछले से जोड़ते हुए। तदयम, अब विशेष ध्यान देना, तदयम अशेष वस्तु संबंध विधुर निरवधि विशुद्ध चैतन्य धातुमयः अपि अज्ञानात एव सविकार सोपादीकृत चैतन्य परिणाम तया तथा विदस्य आत्मभावस्य कर्ता प्रतिभाति इति आत्मनः भूताविष्टस्य भूताविष्ट ध्यानाविष्टस्य इव प्रतिष्ठितं कर्तृत्वमूलं अज्ञानम्। मैंने कहा था ध्यान देना, क्यों कहा था ध्यान देना, अब ध्यान देना क्यों कहा, क्योंकि वो अपनी बात है, वो आत्मा की बात है, वास्तव में आत्मा कैसा है। तद अयम, यह आत्मा तो अयम आत्मा, यह तद अयम अशेष वस्तु संबंध विधुर, विधुर और विधवा दो शब्द आते हैं ना, विधवा स्त्री के पति का वियोग हुआ हो तो उसे विधवा कहते हैं, और पुरुष की पत्नी का वियोग हुआ हो तो उसे विधुर कहते हैं। तो किसी व्यक्ति को कहे कि विधुर है तो अच्छा है कि बुरा है, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, उसे कैसा लगेगा, बुरा लगता है, विधुर है, आत्मा को विधुर कह रहे हैं। वो विधुर क्यों हुआ, क्योंकि किसी स्त्री से संबंध स्थापित किया था और स्त्री का वियोग हो गया, वियोग हो गया तो संबंध चला गया, तो संबंध से रहित तो हुआ, इस कारण से विधुर हुआ। केले आत्मा तो पहले से ही विधुर है, आत्मा तो पहले से ही विधुर है, क्यों, किसी से कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए कहें अशेष वस्तु संबंध विदुर, किसी वस्तु के साथ संबंध मैंने तोड़ दिया, संबंध है ही नहीं, अशेष वस्तु संबंध सारे वस्तुओं से, अरे जड़ से तो है ही नहीं, लेकिन अन्य जो चेतन है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ अपनों कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, तो वहाँ तो देह से अति नज़दीकता की अपेक्षा देह की बात की, हम तो कह रहे वो तो जड़ पुद्गल दूसरी जाति का है, लेकिन स्त्री पुत्र कुटुंब ये जो है ये तो जीव है ना, तो जीव हम भी जीव ये भी जीव, तो अपनी जाति वाले जो है ना, केले नहीं अशेष सबके साथ, नहीं वो जीवों में तो सांसारिक जीव हैं, इनसे नहीं, पंच परमेष्ठी तो अपने हैं, उनके साथ तो अच्छा वो तो अपने होने चाहिए ना, उनके साथ तो संबंध होना चाहिए, सब के साथ अशेष संबंध, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार सुबह सुन रहे हैं आप, बहुत जल्दी ही कलश आने वाला है। नास्ति सर्वोपि संबंधा पर द्रव्य आत्म तत्व यो, और अगली पंक्ति क्या है, तत्कर्तृता कुत आती ना, जब कोई संबंध नहीं है तो फिर कर्ता कर्म वाला संबंध कैसे हो सकता है। नास्ति सर्वोपि सम 200 नंबर का कलश है शायद, नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्य आत्म तत्वयो और कर्तृकर्मत्व संबंधा भावे तत्कर्तृता कुतः, तत्कर्तृता कुतः, जब कोई संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है ना, तो फिर एक दूसरे के कर्तापने की बात ही कहाँ से आती है। अशेष संबंध विदुर, ये तो कर्ता कर्म संबंध की निषेध नहीं, कोई संबंध नहीं है, एकांत संबंध घटित करके बता दो कोई संबंध पर के साथ में है ना, गे गया एक संबंध तो है, इसलिए अभी इनको प्रश्न दिया था अभी परीक्षा में, गे गया एक संबंध होने पर भी इनकार क्यों करते हैं उस संबंध से, इनके इसलिए कि इन्होंने दी आप लोगों ने दी नहीं, आपको अगले साल देना पड़ेगी, इनकार क्यों करते हो, अरे ये संबंध कोई संबंध है क्या,
न गेयक से गायक को कुछ लेना देना, न गायक को गेय से कोई लेना देना। गायक गेय के पास गया नहीं, गेय गायक के पास आया ही नहीं। और एक गेय एक तरह से गायक में आ भी गए और गायक गया भी, है ना, वो सर्वगत हो गए जाता है। और वे भी यहाँ आ गए हों, किलित हो गए हों, खचित हो गए हों एक दृष्टि से, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे पर कोई प्रभाव डाला नहीं है, तो काय का संबंध है? दोनों अपने अपने घर रहे, अपने अपने में रहे, इसलिए वो भी कहने मात्र का ही संबंध है। वो एक दूसरे के साथ रहते एक क्षेत्रावगाह तो है ना, एक क्षेत्रावगाह ये संबंध तो है ना। तो ये भी व्यावहारिक दृष्टि से अनेकों संबंध भले ही कहो, लेकिन वास्तविकता से निश्चय से तो किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है। कोई एक दूसरे पर कोई प्रभाव डालते ही नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से भी जो प्रभाव डालते हैं उसको संबंध कहा जाता है। मिनियन, तुम्हारे दर्शन मोहनी के साथ बहुत ज़्यादा, दर्शन मोहनी नहीं, दर्शनावरणी के साथ में बहुत ज़्यादा संबंध रखते हो, क्या बात है, ऐसा मत करो। अशेष संबंध, अशेष अशेष वस्तु संबंध, अभी तो हम सारे संबंधों की बात कर रहे थे, अशेष वस्तु, सभी वस्तुओं के साथ हम अशेष अशेष विशेषण को, अशेष विशेषण को दो जगह लगाए। अशेष वस्तु माने सभी वस्तुओं के साथ में संबंध नहीं है, और अशेष संबंध विदुर, ऐसा करो सारे पदार्थों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, और एक पदार्थ खड़ा करो और एक पदार्थ के साथ भी सारे संबंध नहीं है, अशेष संबंध। तो अशेष वस्तु संबंध विदुर निरवधि, तो कोई संबंध नहीं है तो बेचारा फिर क्या हो गया, क्या बचा उसके पास में, कुछ भी नहीं बचेगा, सारे सबसे तोड़ के अलग कर दो किसी को तो फिर वो कैसे जिएगा, कैसे रहेगा। तो कहते नहीं, स्वयं कैसा है, निरवधि विशुद्ध चैतन्य धातु में आहा, किसी से कोई संबंध नहीं होने पर भी, निरवधि का अर्थ वो बार बार अनादि अनंत नहीं कहना चाहते हैं, निरवधि का अर्थ भी वही है कि अनादि से लेकर अनंत काल तक। और दूसरा मर्यादा जो होती है ना, वो एक काल संबंधी मर्यादा भी है और मात्रा संबंधी मर्यादा भी है। वो निरवधि विशुद्ध चैतन्य, अनादि अनंत विशुद्ध चैतन्य में है, और विशुद्ध चैतन्य की सामर्थ्य में कोई मर्यादा नहीं है, अमर्याद अनंत सामर्थ्य है उसकी, अनादि अनंत अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य में, निरवधि विशुद्ध चैतन्य धातु में ऐसा आत्मा है। अपि, ऐसा होने पर भी, जब कोई संबंध नहीं है, अपने आप में बढ़िया विशुद्ध चैतन्य धातु वाला है तो कोई संबंध करना नहीं चाहिए था ना, दूसरे से मानना भी नहीं चाहिए था, परंतु अपि अज्ञानात एव, फिर भी अज्ञान के कारण से, सविकार सोपादिकृत चैतन्य परिणाम तया, सविकार सोपादि, कौन सा सविकार था, कौन सा सोपादि था, क्रोधो अहम ये सविकार था, और धर्मो अहम ये सोपादि, तो मैं धर्म हूँ मैं क्रोध हूँ ऐसी मान्यता की थी ना, इसलिए कहते हैं कि सविकार सोपादि चैतन्य परिणाम पूर्वक तथाविदस्य आत्मभावस्य, तथाविद क्यों, जब सविकार चैतन्य परिणाम किया तो उस प्रकार के आत्मभाव का, और सोपाधि किया तो उस प्रकार के, इसलिए तथाविदस्य आत्मभावस्य कर्ता प्रतिभाति। पुनः पुनः दोहरा रहे इस बात को, मैं भी दोहरा रहा हूँ, तथाविदस्य आत्मभावस्य कह करके इसका तो कर्ता प्रतिभाति, उस प्रकार के आत्मभाव का कर्ता प्रतिभासित होता है, परंतु किसका कर्ता नहीं बनता है, वो क्रोधों हम क्रोध का कर्ता नहीं बन पाएगा, धर्मो हम धर्म का कर्ता नहीं बनेगा उसका नहीं, मैं इसका कर्ता हूँ ऐसा जो अपना परिणाम किया, सविकार चैतन्य परिणाम सोपादि चैतन्य परिणाम, ये जो अपना परिणाम किया है उस अपने आत्मभाव का कर्ता वह प्रतिभासित होता है। किस कारण से, अज्ञानात एव, अब यहाँ वो बात नहीं दोहराएंगे, परात्मनो समस्तम भेदम अपन्नुत्य, भेद उसको दृष्टि में नहीं आ रहे हैं,
इस कारण से वो सब पीछे कह दिया था। इसलिए अज्ञानात इतना कह दिया, अज्ञान से ही कर्ता प्रतिभासित, कर्ता प्रतिभाति इति आत्मनः, इस प्रकार से आत्मा के लिए, आत्मा का, ये आत्मनः के साथ में सीधे अंतिम शब्द जुड़ेंगे, कर्तृ प्रतिष्ठितम कर्तृत्व मूलम अज्ञानम। इसलिए आत्मा के लिए कर्तापने का मूल जो है अज्ञान है, ये बात प्रतिष्ठित हुई। ये बात कोई प्रतिष्ठा की बात है कि निंदा की बात है? प्रतिष्ठित माने निश्चित हुई, सिद्ध हो गई बात। किसकी तरह उदाहरण क्या इसके लिए थे, उदाहरण दिए बीच में, भूताविष्ट ध्यानाविष्टस्य इव, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट की तरह, दो तरह के परिणाम थे ना, क्रोधो अहम धर्मो अहम। क्रोधो अहम को कैसा परिणाम कहा, स्वीकार चैतन्य परिणाम, और धर्मो अहम को सोपादि चैतन्य। तो इनके लिए इसमें से क्रोधो अहम ऐसा जो स्वीकार चैतन्य परिणाम है, इसलिए भूताविष्ट का उदाहरण दिया, और जो सोपादि चैतन्य परिणाम है इसके लिए ध्यानाविष्ट, ध्यानाविष्ट की तरह। और ये यहाँ दृष्टांत का उल्लेख करके छोड़ दिया, इसकी तरह कह करके उसे आगे विस्तार से स्पष्ट कर रहे हैं। बस इतना सिद्ध हो गया कि कर्तापने का मूल अज्ञान है। क्यों, मैंने कहा था ना, आत्मा कैसा है, विशुद्ध चैतन्य धातु में निर्वधि अनादि अनंत और अनंत सामर्थ्य सहित चैतन्य धातु वाला है, और वो उसको उस चैतन्य धातु में ऐसा क्या, ऐसा होने के लिए भी, ऐसा के लिए तो बहुत लोगों का सहयोग बहुत चाहिए ना, के लिए कोई जरूरत नहीं है। अशेष संबंध विदुर, अशेष वस्तु संबंध विदुर, किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं है, अपने आप में शुद्ध चैतन्य धातु में है, फिर भी अज्ञान से ये अपने को मैं क्रोध में धर्म इत्यादि रूप से मानता हुआ ये स्वीकार सोपादि चैतन्य परिणामों का कर्ता होता है, तो ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट की तरह ये कर्ता प्रतिभासित होता है, तो अज्ञान के कारण से हुआ, इसलिए कर्तापने का मूल अज्ञान है, ये बात प्रतिष्ठित हुई, सिद्ध हुई, स्थित हुई। और ये बहुत अच्छी बात है कि अज्ञान से हो रहा है, तो अज्ञान दूर करो तो उसे दूर किया जा सकता है। बीमारी पकड़ में आ गई, बीमारी का कारण पकड़ में आ गया तो इलाज हो सकता है, अब उसका कारण ही पकड़ में नहीं आए तो इलाज ही नहीं कर पाए। मैं करता क्यों मान रहा है, किस कारण से, तो ये अज्ञान के कारण से, तो उसे दूर करना है तो क्या उपाय, वो अज्ञान दूर करो। पहले भूताविष्ट वाले उदाहरण को, उदाहरण के माध्यम से स्वीकार चैतन्य परिणाम का कर्ता जो बन रहा है उसका निराकरण करते हैं। तथा ही यथा खलु भूताविष्टः अज्ञानात् भूत आत्मानौ एकी कुर्वन्। मैं संधि विच्छेद करते हुए पढ़ता हूँ तो उसमें से आप भाव लेने का ख्याल, भाव लेने का प्रयास करना। यथा खलु भूताविष्टः अज्ञानात् भूत आत्मानौ एकी कुर्वन् अमानुषोचित विशिष्ट चेष्टा अवस्तंभ निर्भर भयंकरारंभ गंभीर अमानुष व्यवहार तया तथा विदस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति। भूताविष्ट, यहाँ है कोई जिसको कभी भूत लगा हो? अब लगा होगा तो बताएगा थोड़ी हो कोई, और अच्छा यहाँ तो नहीं होगा लेकिन देखा तो होगा किसी को भूत लगा होगा, गांवों में तो खूब देखते हैं। अच्छा किसी की आवाज़ आ रही है कि पदमपुरा में देखा है, वहाँ बहुत से होंगे, चेंट जाते होंगे। ये आविष्ट माने इससे जो ग्रसित हुआ है, वैसे करणानुयोग समझ लीजिए, वस्तु स्वरूप ऐसा है किसी के अंदर भूत प्रवेश नहीं करता। भूत होता क्या है, व्यंतर जाति का देव है, व्यंतर जाति के देवों में एक नाम है, अब वो देवगति का देव है, यक्रिय शरीर वाला है, और देव है ना, और देव दिव्य शरीर वाले होते हैं, देव दिव्य होते हैं, और हम लोग अवतारिक शरीर वाले हैं,
और औदारिक शरीर मलिन ही होता है, असुचि और अपवित्र ही होता है, तो इसमें प्रवेश नहीं करता, प्रवेश कर भी नहीं सकता है। तो फिर कहते थे कि भूत लग गया, और वे कहने वो कह रहे इसके अंदर भूत प्रवेश, आत्मा प्रवेश कर गई, तो आत्मा तो है ही वैसे तो, इन वो लोक में तो आत्मा आत्मा ही कहते हैं, तो एक दूसरे में प्रवेश ऐसी नहीं होती है, लेकिन व्यंतरों को मोहित करने की, अपने अनुसार कराने की ऐसी सब विशेषताएं उनमें होती है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से वैसा कराते हैं। अपनी सामर्थ्य कमजोर हो उनकी अधिक हो, टोडरमल जी ने तो कह दिया जिसके पाप का उदय हो, हमारे तीव्र पुण्य का उदय हो, तो वे कोशिश करे तो भी आपके ऊपर नहीं चल पाएगा, पाप का उदय होगा तो कदाचित वो निमित्त बने, तो वो भूताविष्ट लेना उसको, है ना, उस भूत भूत की बाधा हो रही कहते हैं जिसको, भूत उसको पीछे पड़ करके उसे कुछ करा रहा हो, तो अच्छा जिसे वो हो रहा है ना भूताविष्ट जो हो रहा है ना उस समय वो क्या कर रहा है, अब वो उससे बुलवाता है मैं फलाना हूँ मैं ये हूँ, तब उस समय वो व्यक्ति और भूत ये क्या हो गए, उसे कहते हैं भूताविष्टः अज्ञानात्, उस समय वास्तव में तो हुआ नहीं है, वो जो व्यक्ति है वही है, अज्ञान से भूत आत्मानो एकी कुर्वन, वो भूत को और अपने को एक करता हुआ एकी कुर्वन, अमानुषित अमानुषोचित, सामान्य मनुष्यों के लिए उचित नहीं है। अब उचित के अर्थ दो, एक तो भैया मनुष्य को एक तो मैंने किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ये कि मानवता तो नहीं है, और भी कोई घृणित बीभत्स गंदे काम नहीं करना चाहिए, ये भी उचित नहीं हो, एक तो ऐसे उचित, और दूसरा उसके सामर्थ्य से भी अधिक, उसके सामर्थ्य के भी बाहर, ये माने मनुष्य के लिए उसके सामर्थ्य में आता ही नहीं है, मनुष्य कर ही नहीं सकता है, उसकी कैपेसिटी के बाहर वह अमानुषोचित, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा काम कर दे ना तो ऐसा कहते भैया ये तो बिल्कुल गधे जैसा जुटा रहता है, ये तो आदमी के बस का तो नहीं है, ये तो बिल्कुल जानवर बन करके लग जाता है, तो वो क्योंकि वो एक सामान्य मनुष्य नहीं करता और ये कर रहा है, मैंने इसमें कितनी ताकत आ रही जानवरों जैसी, हाँ तो ये जैसे अमानुषोचित कहते मनुष्य के लिए उचित नहीं है, तो उस दृष्टि से अमानुषोचित, विशिष्ट चेष्टा अवस्तंभ निर्भर भयंकर आरंभ गंभीर अमानुष व्यवहार, अमानुष व्यवहार, अमरचंद्र आचार्य की भाषा भी देखो, इसमें अनुप्रास अलंकार कैसा लगाया है, विशिष्ट चेष्टा अवस्तंभ निर्भर भयंकर आरंभ गंभीर, भ र ष्ट इन शब्दों की पुनरावृत्ति, विशिष्ट चेष्टा अवस्तंभ निर्भर, विशेष प्रकार की चेष्टा और उनका अवलंबन लेकर के उससे भरपूर भयंकर आरंभ, अभी किसी को भूत लग जाए तो खंभा उखाड़ करके फेंक दे, अपन तो ये टेबल ही नहीं उठा पाए, अब वो ये भयंकर आरंभ, ऐसे बहुत से किसी ऊपर कहीं चढ़ना है तो एक सेकंड में वहाँ पहुँच जाए, एक सेकंड में यहाँ आ जाए, ये भयंकर आरंभ ऐसे, और गंभीर, और ये अमानुष व्यवहार, ये सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है, ऐसे अमानुष व्यवहार तया, ऐसे अमानुष व्यवहार के माध्यम से जिस समय वह कर रहा है उस समय तथा विदस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, उस समय ये कौन कर रहा है, अब रमेश नाम तो नहीं ना किसी का इसमें, सुरेश भी नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मानो रमेश को भूत लगा हो अब वो कर रहा हो, सुरेश को भूत लगा हो तो वो कर रहा हो, तो कहेंगे ना अरे सुरेश ने तो खंभा उखाड़ करके फेंक दिया और एक सेकंड में पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और लौट करके वापस भी आ गया, अब ये वह कर्ता हो रहा है, उन सारी क्रियाओं का अमानुष व्यवहारतया उस प्रकार का व्यवहार करते हुए तथा विदस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, उस समय उसका वह कर्ता दिखता है, लेकिन अलग अलग कर दो दोनों को, मैंने हो गए अलग अलग, अब उससे कहो अब उखाड़ो खंभा,
अब वो तो छोटा सा वो भी नहीं उखाड़ पाए, तो अब वो अलग अलग, तो उस समय तो उस प्रकार के एक होने के कारण से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। उसने जो मैं ये कर रहा हूँ, अब मान भी रहा हूँ, मान लो उस समय उसे लग रहा हूँ मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तो दोनों को एक मान करके उस समय ऐसा हो रहा है। ये भूताविष्ट का उदाहरण। अब इसे सिद्धांत प्रघटित करते हैं। तथा अयम आत्मा अपि अज्ञानात एव भाव्य भावकौ परात्मनौ एकी कुर्वन्। भाव्य भावक भाव को प्राप्त ऐसे पर और आत्मा को एक करता हुआ, तो यह आत्मा भी वहाँ भी दो है ना, जैसे एक भूत और आत्मा, आत्मा माने व्यक्ति, वहाँ व्यक्ति लेना उसमें, वह क्योंकि वो व्यक्ति कह रहा है मैं ये करता हूँ, इसलिए वह आत्मा माने अपने को एक कर रहा है उसके साथ में पुरुष, यहाँ आत्मा, तो वो भावक भाव और आत्मा, ये पर और आत्मा, इन दोनों को एक करता हुआ, इन दोनों को एक करता हुआ, पुनः आत्मा की याद करते हैं बीच में, कैसा आत्मा है, अविकार अनुभूति मात्र भावक अनुचित, वह अमानुषोचित कहा था ना ऊपर, तो यहां किसको अनुचित, आत्मा के लिए अनुचित, आत्मा कैसा है, अविकार, निर्विकार नहीं, अविकार, निर्विकार तो पर्याय में होने वाली की बात, स्वभाव से अविकार, अविकार अनुभूति मात्र, अनुभूति मात्र माने विज्ञान घन स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, जानन जानन स्वभाव, उसी को अनुभूति मात्र कहते हैं, अनुभूति मात्र भावक अनुचित, अनुभूति मात्र भावक, क्योंकि भाव्य भावक में आत्मा भावक हैं और वो उदय से होने वाले भावों को यहाँ भाव्य ले रहे हैं, उनको भाने वाला आत्मा उस समय भावक, वो चैतन्य रूप आत्मा भावक, और रागादि क्रोधादि भाव हो रहे हैं वो उस भावक के, कर्मोदय वाला जो भावक होता है ना उसके अनुसार होने वाले वे भाव्य, तो वे तो क्रोधादि उसके हैं, और यहाँ भाने वाला आत्मा, इसलिए भावक आत्मा, माने जो भाव्य हैं वे पर हैं और यह भावक आत्मा है, तो ये उनको एक करता हुआ इस भावक के लिए, इस आत्मा के लिए अनुचित, उचित नहीं है, क्योंकि भावक तो चैतन्य वाला है और क्रोधादि तो है नहीं उसके, भाव्य वे उसके नहीं है, उसको अनुचित है, ऐसे विचित्र भाव्य क्रोधादि विकार करम्बित, अनेक प्रकार के, यहाँ क्रोध तो एक उपलक्षण लिया, लेकिन क्रोध मान माया लोभादि उस गाथा में पीछे 16 सूत्र बनाने के लिए कहा था, उन सब के साथ में, उन सब के साथ में मिलकर के विकार करम्बित, उनके आलंबन से उनके एक में होते हुए क्रोधादि विकार करम्बित चैतन्य परिणाम विकार तया, तो उस समय अपने को वैसा माना इसलिए चैतन्य की भी विकृति हुई, तो चैतन्य परिणाम विकार तया तथा विधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, जिस समय क्रोध से एकाकार होकर के अपने उपयोग को मैं क्रोध हूँ इस रूप से परिणमा रहे हैं, बिल्कुल दोनों को एक में करते हुए, आत्मा क्रोध रूप हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अविकार है, अविकार अनुभूति मात्र है, उस क्रोध को जानने का स्वभाव है, क्रोध को सिर्फ जानने का स्वभाव है, क्रोध रूप होने का स्वभाव नहीं है, इसलिए अनुचित है, भावक के लिए अनुचित, ऐसे भाव रूप से होता नहीं है, अज्ञान से उस रूप मानते हुए, अज्ञान के कारण से दोनों को एक करने से, एक में एक मानते हुए, जिस समय मैं क्रोध हूँ इस रूप परिणम रहा है अज्ञान के एक में करता हुआ, तब वह तथा विदस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, उतनी देर के लिए कर्ता लगता है, अब उतनी देर क्या, अनादि से करता रहा है, एक में ही है, अब किसी को बचपन से ही भूत की बाधा होगी तो वही वही करता ही रहेगा, वो अलग होने पर ही वो अमानुषोचित व्यवहार छूट पाएगा उसका, ऐसे यह भी उस प्रकार के भाव का कर्ता तब तक है जब दोनों को एक मान करके प्रवर्तित हो रहा है तब तक, तथा विदस्य कर्ता प्रतिभाति, ये पहली बात हो गई। अब दूसरा, यथावा अपरीक्षक आचार्य आदेशेन मुग्धः
कश्चिन महिष ध्यानाविष्टः अज्ञानात् महिषौ महिष आत्मानो महिष आत्मानौ एकी कुर्वन् आत्मनि अभ्रंकश विषान महामहिषत्व अध्यासात् प्रच्युत मानुषोचित अपवरक द्वार विनिसरणतया तथा विदस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति। कोई अब भैंसे का ध्यान ध्यानाविष्ट, ये भूताविष्ट था ना जैसा, ये ध्यानाविष्ट, ये ध्यान में आविष्ट हो गया, ध्यान में चढ़ गया। अब किसके ध्यान में चढ़ा है? महिष, भैंसे का ध्यान कर रहा है, भैंसा। वैसे तो गरुड़ का ध्यान और बाकी, गरुड़ ध्यान का एक उदाहरण आगे है वैसे क्रम से, तो अपन ने पहले पढ़ लिया उसे, जीव और पुद्गल का परिणमन स्वभाव, पांच पांच गाथाओं में सिद्ध किया ना, वहां पर गरुड़ ध्यान से परिणत आत्मा उस समय गरुड़ है। ऐसे लोभ क्रोध से परिणत, क्रोध से जिसका उपयोग परिणमित हो रहा है वो क्रोध है, क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान, मायोपयोगी माया है, लोभोपयोगी लोभ, उसकी उसकी गाथा के उसमें गरुड़ का ध्यान दिया हुआ है। गरुड़ ध्यान से परिणत उस समय गरुड़ रूप है, यहाँ भैंसे का ध्यान करने वाला। अब भैंसे का ध्यान कौन करेगा भाई, कौन करेगा? इसलिए कहा अपरीक्षक आचार्य आदेशे न, ऐसे ही कोई रथ्या पुरुष ऐसे ही किसी को आचार्य बन गए, झोला छाप कोई बन गए, ऐसे कोई आचार्य और कह मैं किसका ध्यान करूं, कह दिया उसको भैंसे का ध्यान करो। अपरीक्षक आचार्य आदेशे न मुग्ध, वो उनके ऊपर मुग्ध हुआ, वो मुग्ध होने वाली बात नहीं, मुग्ध शब्द से मोहित मूढ़ अज्ञानी, वह अज्ञानी मूढ़ कश्चिन कश्चिन मुग्ध कोई मूढ़ महिष ध्यानाविष्टः भैंसे के ध्यान में चढ़ गया, और भैंसे के ध्यान में भैंसे का ध्यान करते करते ध्यान ध्यान में तो एकाग्रता होती ना, ध्यान का लक्षण क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, वहाँ एक का मतलब तो आत्मा है आत्म ध्यान की दृष्टि से, लेकिन अभी एक भैंसे का ध्यान कर रहा है, बाकी सब चिंता निरोध, बाकी सब चिंतन सब छूट गए, मैं भैंसा हूँ मैं भैंसा हूँ, ऐसे ध्यान में आविष्टा तब वह अज्ञानात महिष आत्मानो एकी कुर्वन, भैंसे को और अपने को, ये आत्मा शब्द से यहाँ अभी आत्मा माने आत्मा नहीं लगाना, वो व्यक्ति करने वाला उस भैंसे को और अपने को एक करता हुआ, एक ही कुर्वन, एक करते हुए क्या कर रहा है? आत्मनि माने अपने में, वो व्यक्ति अपने में क्या मान्यता कर रहा है? अभ्रंकश विषान महामहिषत्व अध्यासात, विषान विषान शब्द सींगों के लिए आया ना, खर विषान सींग, और वे कैसे विषान है? महा बड़े बड़े, कितने? अभ्रंकश माने मानो आकाश तक पहुंच गए हो, बने आकाश व्यापी बहुत बड़े बड़े सींग ऐसे हैं, और ऐसे सींगों वाला महिषत्व अध्यासात, भैंसापने का अपने आप में अध्यास करने से, आभास करने से, मैं भैंसा हूँ, इतना बड़ा बड़ा भैंसा, मेरे सींग जो है आकाश तक पहुंच गए हो, अभ्रंकश विषान महामहिषत्व अध्यासात। और जब इतने बड़े बड़े एक सींग है तो अब प्रच्युत मानुषोचित अपवरक द्वार विनिसरण तया, अपवरक द्वार, द्वार दरवाजा, और उसमें से बाहर निकलना है, बाहर निकलने का दरवाजा है, लेकिन प्रच्युत मानुषोचित, एक मनुष्य तो निकल सकता है, आपसे कहा जाए भी निकलो यहाँ से बाहर, मिल कैसे निकले कि दरवाजे में से निकल जाओ, और उससे भी कहा चलो बाहर निकलो, इसलिए नहीं निकल सकता। मानुषोचित अपवरक द्वार विनिसरण प्रच्युत माने विनिसरण, उससे निकलना हो सकता है लेकिन प्रच्युत, उससे चुत चुत हो गया माने उसने ये मान लिया मैं इतना भयंकर भैंसा हूँ, किसी कक्ष में बैठ करके ध्यान कर रहा है, उसे का बाहर निकलाओ, कि ले मैं नहीं निकल सकता हूँ, मेरे बड़े बड़े सींग है, दादा तो इसको ऐसा कहते हैं ना, इतने बड़े बड़े हैं कि एक
इस कोने में अटक गया है, एक इस कोने में अटक गया है, इतने बड़े बड़े, मैं तो गर्दन भी हिलाऊंगा तो गर्दन टूट जाएगी मेरी, मैं हिला नहीं सकता हूँ, तो यहीं से नहीं हिल सकता तो उसमें से बाहर कैसे निकलूंगा। माने इतना एकाग्र हो गया उसके साथ में, ऐसा तो कौन करता होगा कौन नहीं करता होगा। लेकिन ये ट्रक चलाने वाले गाड़ी चलाने वाले होते हैं ना, अभी कभी कभी रास्ते पे झगड़ा होता हुआ देखो तुमको, कभी फंसा लिया कहले तुम थोड़ा अलग कर लो, कहले क्यों मैं निकल नहीं सकता हूँ, तुम अलग हो जाओ मैं निकल नहीं सकता हूँ यहाँ से, अरे तुमने निकल नहीं सकता हूँ उतर के निकल जाओ ना, कहले नहीं नहीं तो अपनी गाड़ी थोड़ी अलग कर लो, तुम इतने से इतनी बड़ी रोड पड़ी हुई है नहीं निकल सकते हो, तो मैं निकल नहीं सकता हूँ क्या क्या मतलब है। अब ये नहीं कहता मेरा ट्रक नहीं निकल सकता, ऐसा नहीं कहेगा वो, मैं नहीं निकल सकता, माने उसका उस समय वो क्या मान रहा है अपने आप को, ट्रक हूँ, यहाँ से ऑटो रिक्शा जा रहा हूँ, आवाज़ लगाओ ए रिक्शा रुक जाओ, और रुक जाता है ना, अच्छा रुक गया रिक्शा रुका, लेकिन वो व्यक्ति पूछता है क्या बात है साहब, ये तुमसे किसने कहा, अभी तुमने तो आवाज़ लगाई थी, तो मैंने तो रिक्शे को कहा था हा? लेकिन वो उसके साथ में चलाते चलाते एक में खो जाता है। अब हम तो इसके साथ भी तो हो ही रहे ना, जिसके जो आवाज़ लगाते हैं तो वो हम है क्या, तो उसके साथ भी हम एक में एक वैसे ही हो रहे, तो वह इतना ध्यान में इतना आविष्ट हो गया कि वह उस कमरे से निकलने के लिए जिस द्वार से निकल सकता है उससे प्रच्युत, और ऐसे भाव में जो हुआ है उस समय तथा विदस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, उस समय उस प्रकार के भाव का कर्ता वही हुआ नहीं है, भाव का कर्ता है, मैं भैंसा हूँ ऐसे भाव का कर्ता है, ये दृष्टांत हो गया। तथा अयम आत्मा अपि, अब यहाँ आत्मा आत्मा है, वैसे यह आत्मा भी अज्ञानात ज्ञेय ज्ञायको परात्मनो एकी कुर्वन, ज्ञेय और ज्ञायक ऐसे पर और आत्मा को एक करता हुआ आत्मनि पर द्रव्य अध्यासात, अपने आप में पर द्रव्य पने का अध्यास करने से, अभी इसके बाद का जो पढ़ रहा हूँ इसको सिर्फ पढ़ते हैं क्योंकि इसमें तीन कारण दिए, गे भावों के साथ एक में खोने के पीछे तीन कारण दिए हैं, उनकी कल विस्तार से और चर्चा करेंगे, और अभी ये जो चर्चा इतनी हुई इसके बाद भूताविश ध्यानाविश उदाहरण भी सुन लिया, सविकार सोपाधि ऐसा अलग अलग क्यों नाम दिया है ये बात भी सोच के आना, कल पूछूंगा आपसे ही। पर द्रव्य अध्यासात इंद्रिय विषयीकृत धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीवांतर निरुद्ध चैतन्य धातु तया, एक बात, तथा इंद्रिय विषयीकृत रूपी पदार्थ तिरोहित केवल बोध तया, दूसरी बात, मृतक कलेवर मूर्छित परम अमृत विज्ञान घनतया च, ये तीसरी बात। इन तीन कारणों से क्या हो रहा है, तथा विदस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति, तो ये आत्मा भी अज्ञान से गेय ज्ञायक भाव जो पर है और आत्मा है इन दोनों को एक करता हुआ पर द्रव्य अध्यास, आत्मा में वे परद्रव्य मानो आ गए हो, परद्रव्य आत्मा में एक में खो गए हो, ऐसे अध्यास से इन तीन कारणों से, इन तीन कारणों से उस प्रकार के भाव का वह कर्ता प्रतिभासित होता है। अब इन तीन कारणों को आप हिंदी में पढ़ करके समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छे भाव है उनमें, हमारी भूल क्यों हो रही है समझ लीजिए, इन तीन कारणों से हमारी भी भूल हो रही है, उसको हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए।